हाय, वेलकम टू एफएक्स मॉनिटर। तो आज हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में एक लेटर के ऊपर और एक लेटर रहने के बाद जो शेडो इफेक्ट आता है वो कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1920 का 1080 का एक डॉक्यूमेंट लिया और यहाँ से डबल क्लिक करके इसको लॉक हटा दिया। लॉक हटाने के बाद फोरग्राउंड पे मेरा ब्लैक कलर है, तो इसको मैं ऑल्ट डिलीट प्रेस करके मैं यहाँ पे ब्लैक फिल कर दिया। फिर करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे मैं अभी मेरा नाम लिख देता हूँ, जैसे कि तो मेरे को ये फॉन्ट पे चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा बोल्ड होगा लेटर। मेरे को जितने भी लेटर हैं वो इंडिविजुअली लेयर पे लिखना है, जैसे कि फर्स्ट फ्रेम पे एच है। फिर मैं यहाँ से कंट्रोल जे कर रहा हूँ, फिर ये डुप्लीकेट हो गया। फिर यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा लेके आया, फिर यहाँ पे इसको टी सिलेक्ट करके लिख दिया एच के बाद आई। तो फिर यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कर लिया। फिर आई का जो लेयर है उसको भी मैंने कंट्रोल जे प्रेस करके डुप्लीकेट किया, फिर उसको शिफ्ट पकड़ के ड्रैग किया, साइड किया, फिर टी प्रेस करके उसको टी किया। ऐसे ही मैं मेरा जितना लेटर है नेम में उतना मैं कॉपी निकल के इंडिविजुअल लेयर पे इंडिविजुअल लेटर रखना है। तो अभी मेरा कुछ लेटर ऐसा हो गया। तो होने के बाद मैं यहाँ से ऑल को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो जाए। तो ये होने के बाद अभी हम जो शेडो का इफेक्ट है वो कैसे अप्लाई करें, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एच को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं मास्क कर दिया, लेयर को मास्क कर दिया। फिर यहाँ से मैं ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे लिनियर स्टाइल है उसको सिलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ के यहाँ से अप्लाई किया। अगर मैं शिफ्ट नहीं पकड़ूंगा तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से ऐसे करके मैं थोड़ा सा एंगल हो रहा है, तो ऐसे एंगल से ये ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है, मतलब मास्किंग हो रहा है। तो हमको चाहिए पूरा सीधा चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट पकड़ेंगे तो ये सीधा अप्लाई होगा ऐसा। फिर ये होगा एच के ऊपर। सिंपली सेम थिंग, जितने भी लेटर है उसको इंडिविजुअली यहाँ पे मास्क अप्लाई करना है पहले। फिर ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करके यहाँ से ध्यान देना है कि जो लिनियर स्टाइल है वो सिलेक्ट होना है, और फिर यहाँ से मैं शिफ्ट पकड़ के आई के ऊपर भी शिफ्ट पकड़ के यहाँ से अप्लाई कर दिया। फिर चलते हैं टी के ऊपर, सेम थिंग, यहाँ से पहले मास्क अप्लाई करना है, फिर ग्रेडियंट टूल तक सिलेक्ट हो गया हमारा। फिर यहाँ से नेक्स्ट ई पे मास्क अप्लाई करेंगे और यहाँ से शिफ्ट पकड़ के ग्रेडियंट टूल अप्लाई करेंगे। फिर एस पे थोड़ा सा, टी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। और हम शिफ्ट पकड़ के अगेन नहीं करेंगे तो ये एड होते जाएगा। फिर आते हैं एच के ऊपर, मास्क किया और ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ के ड्रैग किया। तो ये ऐसे कुछ हो गया। अभी ये होने के बाद हमारा जो पोजीशन है थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑटो सिलेक्टेड को मैंने यहाँ पे ऑन किया। फिर यहाँ से थोड़ा सा एरो की के मदद से मैं थोड़ा सा उसको ओवरलैप कर लेता।
एरो किट की मदद से मैं ये ओवरलैप कर लेता हूँ। तो ये होने के बाद सबको मैं जितने भी लेटर है उसको सिलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ के फिर कंट्रोल जी किया, ग्रुप में कन्वर्ट किया और उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करके उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ऐसा हो गया। फिर उसको थोड़ा सा जो रिफ्लेक्शन है उसको भी अप्लाई करेंगे। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। फिर ये जो ग्रुप है उसका एक डुप्लीकेट ग्रुप निकालना है, इसलिए राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ग्रुप और ओके करना है और इसको देते हैं रिफ्लेक्स। ओके, फिर इसको कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे वर्टिकली करना है। वर्टिकली करने के बाद यहाँ से जो फर्स्ट जो ऊपर का लेटर है उसका नीचे लाना है और प्लेस करना है। तो यहाँ से ऐसे कुछ टच हो गया जो कि ये एस ए इसको थोड़ा सा वॉल्यूम सेट करेंगे। तो ऐसे कुछ हो गया। होने के बाद अभी जो रिफ्लेक्शन ले रहे हैं उसको मर्ज कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक न्यू लेयर लेना है